हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सफ़ेद मटर वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम लोग बाहर ठेले पे खाते हैं, चाट वगैरह बनती है इससे। और ये ऐसे भी ना घर पे बना के खा सकते हो, इसके साथ आप पूरी बना सकते हो, बहुत से ऑप्शन है। या तो फिर आप ऐसे ही नॉर्मली चाट बना के खा सकते हो जैसे बाहर हम खाते हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसे कैसा बनाया जाता है मैं आपको बताऊंगी, कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी। और इसे मैंने आलू के साथ बनाया है ताकि ये बिल्कुल वैसे ही लगे बाहर वाले ठेले वाले मटर की तरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, प्लस बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। तो एक रात पहले ना मटर को भिगा देना है अच्छे से, 7 से 8 घंटे भीगने देना है। ओवरनाइट भिगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे भीगने में भी बहुत टाइम लगता है और कुक होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने मसाले के लिए ले लिए हैं प्याज टमाटर, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से कट कर लेंगे। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उसे बारीक कट कर लिया। और यहाँ पे 2 टमाटर ले रही हूँ, इसे भी बारीक मैंने ली है, आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो अगर ज़्यादा तीखा बनाना हो तो। और वैसे ये थोड़ा सा ही मटर आप भिगाओगे ना तो ये डबल हो जाता है बनने के बाद। अगर बर्थडे पार्टी है या घर में कोई भी ओकेशन है ना, तो आप इसे बना ही सकते हो ज़रूर से, क्योंकि ये बढ़ भी जाती है और लोगों को पसंद भी आती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची जो है कट कर लिए हैं। सारी चीज़ें कट हो गई है, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को कट किया है। कट करने से पहले ना मैंने इस मटर को उबालने के लिए रख दिया था हल्दी और नमक डाल के, तो वो भी उबल गए अच्छे से। अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगी जिसमें तेल डाल देना है, मटर हमें अच्छे से गर्म होने देंगे तेल को, और ज़ीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाएंगे। उसके बाद प्याज मैं डाल दूँगी और उसे अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक के फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे प्याज का जो कलर है चेंज हो गया है। तो इसी टाइम पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। फ्लेम यहाँ पे फुल होनी चाहिए। अदरक लहसुन को 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, जैसे कि हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल देंगे। सब मसाले ऐड करने के बाद मसालों को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टमाटर यहाँ पे ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद नमक भी ऐड कर देंगे, जिससे कि टमाटर जल्दी से कुक हो जाए। नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से चम्मच चलाते हुए, और इसे कवर करके ना 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। पाँच मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे तो टमाटर जो है अच्छे से कुक हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं आलू ऐड कर दूँगी, इसे भी ऐड करने के बाद फिर से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट के लिए, कवर करके इसे रख देंगे। पाँच मिनट बाद ढक्कन खोल के फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो उबाल के हमने मटर रखे हैं ना उसे भी ऐड कर देंगे। अब इसी तरीके से मिक्स करते रहना है, फ्लेम यहाँ पे फुल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। हाथों से इस तरीके से क्रश करके मिक्स करेंगे।
इसके बाद हम यहाँ पे धनिया पत्ती डाल देंगे बहुत सारा, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, प्लस दिखने में भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके बाद हम इसे कवर करके फिर से रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। लगभग 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। लगभग एक छोटा ग्लास मैंने इसमें वाटर ऐड किया है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये सूखी नहीं अच्छी लगती है। ग्रेवी जो है बहुत ही पतली होनी चाहिए इसमें, तो ही ये मार्केट जैसी लगेगी। अब इसे अच्छे से पकने देंगे, कुक होने देंगे। सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे में मिक्स होंगी, फ्लेवर आएगा। पाँच से दस मिनट बाद जब ये सारी चीज़ें कुक हो जाए ना अच्छे से, तो यहाँ पे मैं इमली का पानी डाल दूँगी और 2 खड़ी लाल मिर्च डाल दूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा और खट्टा और चटपटा सा इसका टेस्ट आएगा। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे ये मटर जो है बन के बिल्कुल तैयार है। अब आप इसमें खस्ता ऐड करके खा सकते हो या फिर पूरी के साथ खा सकते हो। यही थी आज की सिंपल सी चटपटी सी रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।